जय हिंद। आज का हमारा टॉपिक है कि प्रदूषण सबसे ज्यादा सर्दियों में ही क्यों देखने को मिलता है, या गर्मियों में ऐसा क्या रीजन है कि प्रदूषण नहीं देखने को मिलता है, या देखने को मिलता है कम, इसकी सर्दी की अपेक्षा में बहुत ही कम रहता है। सर्दियों के मौसम में टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम हो जाता है। टेम्परेचर जब कम हो जाता है तभी सर्दी पड़ती है। अभी अगर टेम्परेचर ज्यादा रहे तो गर्मी पड़ेगी। जब सर्दी रहती है तो सराउंडिंग का टेम्परेचर रहता है वो सबसे ज्यादा कम हो जाता है। जब सराउंडिंग का टेम्परेचर कम हो जाता है तो इसके जो चारों ओर इन्वायरमेंट है, ये इन्वायरमेंट है, और इसके अंदर जितनी भी हवाएं फ्लो करती हैं, जितनी भी हवाएं रहती हैं, जो बहती हुई हवाएं रहती हैं, इनका जब टेम्परेचर कम हो जाता है तो यहाँ पर इनमें कुछ कण नमी के आ जाते हैं, नमी ज्यादा आ जाती है। जब नमी ज्यादा आ जाती है तो ये जो हवा रहती है, ये भारी हो जाती है। जैसे आप फ्रिज में पानी को ठंडा करते हैं, जब पानी को ठंडा करते हैं तो उसका जो टेम्परेचर रहता है वो बहुत ही कम हो जाता है। ऐसे तो पानी ठंडा नहीं होगा। जब पानी ठंडा होता है तो टेम्परेचर कम हो जाता है। जब एयर जो रहती है वो भारी हो जाती है, इसमें नमी के साथ साथ इस एयर में भार आ जाता है, भार हो जाता है, इस जो हवा फ्लो कर रही होती है सराउंडिंग में। तो जब हवा सराउंडिंग में फ्लो कर रही होती है तो जितना भी प्रदूषण रहता है, प्रदूषण की तो नस नस से हम लोग वाकिफ हैं, जानते हैं कि प्रदूषण कैसे होता है, ये बताने की जरूरत नहीं है। हालांकि मैं ओवरव्यू के लिए बता देता हूं कि प्रदूषण जो है वो बहुत ज्यादा खतरनाक चीज है। ये मानव जाति के लिए ही नहीं, बल्कि अगर आप इतने बड़े से जानवर से ले लेंगे जिन्हें हम सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखते हैं, नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं, उससे लेकर इस दुनिया का जो सबसे बड़ा विशालकाय जानवर है मछली, यहां तक उसको भी ले लीजिए तो वो भी प्रदूषण से इफेक्टेड रहती है। उसके अंदर भी प्रदूषण जाता है, उसको भी प्रदूषण हानि पहुंचाता है। तो प्रदूषण सबसे ज्यादा भारी समस्या है, ये बहुत ज्यादा विकराल समस्या है, इसको हमें रिड्यूस करने की जरूरत है। जब इस हवा में नमी आ जाती है तो उसके जो मॉलिक्यूल्स रहते हैं, हवा के जो कण रहते हैं, वो अपने तरफ जो धूल मिट्टी और ये सब कण रहते हैं उनको अपने में सोख लेते हैं। जब ये सोख लेते हैं तो इसमें भार आ जाता है। जब भार आ जाता है तो हवा उतनी ज्यादा तेज स्पीड से फ्लो नहीं कर पाती है। यही कारण है कि सर्दियों में जो हवा रहती है वो चलती तो गर्मियों की अपेक्षा में ही उतनी स्पीड से है, उतनी ही स्पीड से चलती है, लेकिन आपको लगता है कि सर्दियों में जो हवा है वो उसकी गति जो है वो धीमी हो गई है। तो धीमी गति इसी भार के कारण रहती है। जब सर्दियों में हवा में भार हो जाता है, किस लिए हो जाता है, इसमें धूल के कण रहते हैं, मिट्टी के कण रहते हैं, बालू के कण रहते हैं, और जितने भी मटेरियल्स रहते हैं वो हवा में इंक्लूड हो जाते हैं। जब इसके साथ इंक्लूड हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, तो उसमें भार आ जाता है। इसी कारण से जो हवा रहती है वो इतना ज्यादा स्पीड से नहीं फ्लो कर पाती है। तो जब इसका टेम्परेचर कम रहता है तो सर्दियों में हमें सबसे ज्यादा ठंड लगती है। जब ठंडी ज्यादा पड़ती है तो ठंडी में तनहा इंसान, गलियां सुनसान, और हर तरफ ठंडी कम हो जाए बस जय भगवान, तो चारों तरफ यही रहता है। गर्मी का मौसम रहता है, गर्मी में हवाएं ज्यादा तेज चलती हैं, गर्मी में टेम्परेचर ज्यादा बढ़ जाता है। जब टेम्परेचर बढ़ जाता है तो जो हवा रहती है वो ज्यादा मोशन में आ जाती है, बहुत ज्यादा स्पीड से फ्लो करना स्टार्ट हो जाती है। तो टेम्परेचर बढ़ने के कारण हमें गर्मी ज्यादा महसूस होती है। जब गर्मी ज्यादा महसूस होती है तो हम जाके कपड़े उपड़े उतारे, फेंक दिए जाके कूद गए स्विमिंग पूल में। जब स्विमिंग पूल में कूद गए तब हमें कुछ रिलैक्स फील होता है, क्योंकि पानी का टेम्परेचर लगभग अप्रॉक्सीमेट 32-35 रहता है, 32-35, या हम अगर इसको कम कर दें तो जो ताजा पानी निकालेंगे तो उसका भी लगभग 30, लगभग 25 या 28 से लेकर 30 या 32 के आसपास ही रहता है, 30-32 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास ही रहता है। तो हमें ठंडा फील होता है जो ताजा पानी निकलता है बोरवेल से या बोरिंग से या समर की मदद से जो हम पानी निकालते हैं। लेकिन यही जो ठंडी रहती है तो इसका टेम्परेचर तो इतना ही रहता है जो बोरवेल से हम निकालते हैं, लेकिन यहाँ का जो सराउंडिंग का टेम्परेचर रहता है ये कहीं कहीं पर माइनस में चला जाता है, 0 डिग्री से नीचे चला जाता है, और कहीं कहीं पर जो सर्दियाँ रहती हैं तो अप्रॉक्सीमेट आपको मिलेगा 15 और या 12 या 14 ऐसा आसपास में मिलता है। तो जब इतना टेम्परेचर रहता है, इतनी ज्यादा ठंडी रहती है, 12 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रहता है, तो जब ये वाला पानी हम बोरवेल की सहायता से निकालेंगे तो हमें गर्म ही लगेगा। तो जब ये तो इसका यह रीजन होता है कि हमें सर्दियों में पानी जो ताजा निकालते हैं बोरिंग की मदद से या हैंडपम्प की मदद से जब हम पानी निकालते हैं तो उसका टेम्परेचर हमें कुछ ज्यादा मिल जाता है, या हमें वो पानी कुछ गर्म लगता है। जो पानी का टेम्परेचर रहता है तो उतना ही रहता है, लेकिन हमें सराउंडिंग का टेम्परेचर जो रहता है वो लगभग अबव पहुंच जाता है 45 डिग्री सेंटीग्रेड।
45 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर जब टेम्परेचर पहुंच जाता तो ये जब पानी लेंगे तो हमें ठंडा ही महसूस होगा। तो इसका यही रीजन है। हालांकि जो टेम्परेचर रहता है सर्दियों में बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, इसलिए हवा जो रहती है उतना ज़्यादा मोशन नहीं कर पाती है और उसमें भार आ जाता है। तो जो प्रदूषण रहता है, प्रदूषण जो रहता है तो वह जब हवा ठंडी रहती है तो वो प्रदूषण को धुआं रहता है, धुआं और इसमें अनेक सारे कण रहते हैं, गैसेस रहती हैं, सब बहुत सारा मिक्सचर जब हो जाता है तो जब वो टेम्परेचर कम होने के कारण वो ऊपर नहीं उठ पाता है, हवा उतनी ज़्यादा तेज चलेगी नहीं, जब हवा उतनी तेज चलेगी नहीं तो बहेगा नहीं, जब बहेगा नहीं तो छा जाता है, पूरा चारों तरफ वो ढक लेता है। जब कोहरा गिरता है तो कोहरे के साथ वो नीचे आ जाता है, तो कोहरा जो गिरता है तो उसमें भी नमी रहती है, उसका भी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम रहता है। तो कोहरा जो गिरता है उसके साथ साथ ही आ जाता है, कोहरा जब गिरता है तो ठंडियों में एक तो रहता है कोहरा, दूसरा कुहासा और तीसरा धुआं। धुआं इन सब तीनों का, इन तीनों कोहरा कुहासा और धुआं इन सब का कारण है टेम्परेचर। इसका मेन रीजन है टेम्परेचर। टेम्परेचर कम रहेगा ये सब ज्यादा रहेंगे। अभी टेम्परेचर अगर कम है तो सबसे ज्यादा यही रहेंगे, अगर टेम्परेचर यहीं पर बढ़ जाए तो ये सब कम हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि जो हवा रहती है वो गर्म जब हो जाएगी तब ये इन सब चीजों को कोहरा भी कम गिरेगा, कोहरा कम गिरेगा, गिरेगा गिरता उतना ही है लेकिन टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से ये सब सराउंडिंग में उड़ जाता है, एटमोसफेयर में चला जाता है। कुहासा, कुहासा कोहरा तो हो गया जो ओस गिरती है, और जो कुहासा, कुहासा ओस के साथ साथ जितना भी धुआं धूल कण प्रदूषण जितना रहता है जब ये सब मिक्स हो जाता है तब बन जाता है कुहासा। कुहासे का बनने का कारण क्या है? कोहरा, कोहरे में ओस रहती है और इसके साथ साथ जब मिक्स हो जाता है हमारा प्रदूषण, प्रदूषण के मिक्स होने के साथ धुआं भी मिक्स होता है, और जब धुआं मिक्स हो जाता है, जब ये तीनों चीजें सब आपस में मिल जाती हैं, प्रदूषण दूषण सब मिक्स हो जाता है तभी बनता है कुहासा। कुहासा भी सबसे कोहरे से ज्यादा खतरनाक है कुहासा। कुहासा जब आप बाहर निकलते हैं तो आपको आंखों में जलन महसूस होती है, तो उसका मेन रीजन यही है कुहासा। कुहासा में सबसे ज्यादा प्रदूषण ही रहता है। फिर है धुआं। धुआं तो जानते ही हैं, जब लकड़ियों को जलाते हैं तो इससे धुआं उत्पन्न होता है। तो धुआं, ये सब तीन चीजें हो गई और इसका मेन रीजन कौन सा क्या है? टेम्परेचर। टेम्परेचर ही इन सबका मेन रीजन है। तो गर्मियों के सीजन में हमें कम प्रदूषण देखने को मिलता है, इसका यही रीजन है कि जो टेम्परेचर रहता है वो ज्यादा होता है तो उस टाइम जितनी भी वाष्प रहती है वो सब एटमॉस्फेयर में उड़ जाती है, वो हवा के साथ बह जाती है, हवाएं भी उस तेज गति से चलने लगती हैं। लेकिन वही जो सर्दियों का मौसम रहता है उसमें हवाएं उतनी ज्यादा तेज नहीं चल पाती क्योंकि उसमें भार आ जाता है, तो जितनी भी गैसेस रहती हैं वो सब एटमॉस्फेयर में नहीं जा पाती हैं, नमी ज़्यादा उसको घेर लेती है, लेकिन गर्मियों में वही सब हवा बनकर उड़ जाती हैं। अच्छा, प्रदूषण जो रहता है, प्रदूषण भी दो तरह का होता है। पहला है प्राकृतिक प्रदूषण, पहला है प्राकृतिक प्रदूषण, फिर दूसरा है मानव निर्मित। मानव निर्मित प्राकृतिक प्रदूषण भी होता है, प्राकृतिक प्रदूषण भी होता है और मानव निर्मित तो मानव बनाता ही है, सबसे ज्यादा तो मानव निर्मित प्रदूषण ही मिलेगा आपको। प्राकृतिक प्रदूषण होता है लेकिन ये हमें कम देखने को मिलता है। जब भी कोई बच्चा गलती करता है तो उसे बाप पनिशमेंट देता है लेकिन कम देता है, गलती किया तो मारा इतनी तेज मारेगा कि उसका कुछ टूटे फूटेगा नहीं, लेकिन वही जब बाहर गलती करता है तो उसे उठा के मार जूतों से, लातों से, हाथों से, घूसों से, मुक्कों से, सब तरह से उसको पीट देते हैं। क्यों? क्योंकि कि उन्हें इससे मतलब नहीं रहता है कि इसका कुछ टूटेगा फूटेगा। जब बाप मारता है चाटा खींच के तो उसको दर्द रहता है कि इसका कुछ टूटे फूटे नहीं, लेकिन जो बाहर वाले मारते हैं तो उससे कोई मतलब नहीं रहता, तो वो इसीलिए मारता है कि ये संभल जाए या उससे फिर दोबारा गलती ना करने की कोशिश करे। लेकिन जब बाहर वाले मारते हैं तो वो कि उनको किसी भी प्रकार का डर नहीं रहता है, वो मारते हैं कहते हैं मारो पीटो बाद में जो होगा निपट लेंगे। तो वैसे ही प्रकृति भी प्रदूषण करती है, ऐसा नहीं है प्रकृति भी प्रदूषण करती है लेकिन ये एक लिमिट में करती है। ये कहता है हम तुम्हें सचेत कर रहे हैं, तो इसका जो प्रदूषण का कारण रहता है ये रहता है आंधी तूफान चक्रवात, जितना भी हमारे भूकंप आते हैं, ज्वालामुखी, आदि, ये सब चीजें जो हैं ये प्राकृतिक प्रदूषण के अंतर्गत आती हैं। तो ये सब चीजें आती हैं, समय समय पर आती हैं, लेकिन वो सब इतना ज्यादा मानव के ज्यादा इतना इफेक्टिव नहीं रहती हैं।
क्यों? क्योंकि प्रकृति है, प्रकृति ऐसा नहीं है कि जब आप उसको बिगाड़ रहे हैं तो वो आपको कुछ करे नहीं, वो भी आपको चाटा मारना जानती है, तो वो भी चाटा इसीलिए मारती है क्योंकि आप संभल जाएं। लेकिन जो मानव प्रदूषण करता है तो उसमें कोई लिमिट नहीं रहती है कि वो कितना ज्यादा प्रदूषण कर जाए, वो बहुत ज्यादा प्रदूषण करता है। किसकी अपेक्षा में? प्रकृति की अपेक्षा में। तो प्रकृति इसी को सचेत करने के लिए करती है। अच्छा, जब प्रकृति प्रदूषण करते हैं, जैसे उसने आंधी चलाई, तो आंधी में भी जो धूल कण रहते हैं, मिट्टी के कण रहते हैं, बालू, ये सब आज सब जब हवा चलती है बहुत तेज तो अपने साथ उसको मिक्स कर ले जाती है, तो एयर पॉल्यूशन उसमें ज्यादा होता है। फिर वहीं जब तूफान आता है तो सेम केस उसके साथ भी होता है। लेकिन जब चक्रवात आता है, चक्रवात एक शेर है, सबको अपने पास आस पास लेके सभी चीजों को उड़ता रहता है, नीचे से चीजों को उठाएगा और गोल गोल नचा के ऊपर फेंक देगा, ऐसा करता है चक्रवात। चक्रवात जब आता है तो सबसे ज्यादा प्रदूषण होता है। इसका प्रदूषण सबसे ज्यादा किसको इफेक्ट करता है? हवा को ही इफेक्ट करता है। क्यों? क्योंकि जो पृथ्वी के नीचे की जो चीजें रहती हैं, इसमें मकान को ले जाता है, पेड़ पौधों को ले जाता है, जानवरों को ले जाता है, मनुष्य को भी उठा ले जाता है, जितनी भी धूल कण, मिट्टी, ढेर, जितने भी बवाला बवाला रहता है, इन सबको अपने में पहले नीचे से तो उठाएगा, नीचे इतना ज्यादा प्रेशर रहता है, उसको सक खींच लिया, खींचने के बाद ऊपर ले जाके गोल गोल नचा के फेंक देता है बाहर, वो सब डिस्ट्रॉय कर देता है। जब इन सब चीजों को बाहर फेंकता है तो वहां भी उसमें बहुत ज्यादा पॉल्यूशन होता है। तो चक्रवात जब आता है तो जब सबसे ज्यादा प्रदूषण, और जब भूकंप आता है तो भूकंप जब आता है तो सब पूरा हिला देता है, डगमग डगमग करके पूरा हिला देता है, कहता संभल जाओ संभल जाओ, अगर नहीं संभलोगे तो हम तुमको तहस नहस कर देंगे। तो इसीलिए जो इतनी भी बिल्डिंगें बनती हैं सब भूकंपरोधी बनती हैं। तो प्रकृति भी प्रदूषण करती है। फिर ज्वालामुखी पृथ्वी की आंतरिक ऊर्जा को बाहर निकालती है। पृथ्वी की आंतरिक ऊर्जा में सबसे ज्यादा इसका टेम्परेचर लगभग 6000 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास है, इसकी जो केंद्र है, पृथ्वी का केंद्र है, उसके आसपास का टेम्परेचर है 6000 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास। इतना ज्यादा टेम्परेचर रहता है तो वहां पर सब आग रहती है, आग फैली हुई रहती है, एक लिक्विड रॉक यानी मैग्मा के रूप में रहती है, सब लिक्विड में रहती है वो सब। जैसे यहाँ पर पानी बहता है समुद्र में, वैसे वहां पर मैग्मा बहता है, वो सब बहुत ज्यादा गर्म रहता है। भैया जब 6000 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है वहां पर तो क्या रहेगा? आग ही नहीं रहेगी, और तो कुछ रहेगा नहीं, पानी तो रहेगा नहीं। तो जब आग रहती है तो जब ये ज्वालामुखी उद्गार रहता है, उद्गार होता है, पृथ्वी के अंदर बहुत ज्यादा प्रेशर हुआ, जब कोई भी चीज हो हद से ज्यादा हो जाती है तो वो ब्लास्ट कर जाती है। तो यहाँ पर ये ब्लास्ट कर गया, यहाँ से बहुत ज्यादा मात्रा में लावा निकलने लगता है जो आसपास की एरिया को सबसे ज्यादा इफेक्ट पहुंचाता है, उसको सब राख कर देता है। जब राख कर देता है तो सब ध्वस्त हो जाता है उसके आसपास का एरिया। तो प्रकृति भी प्रदूषण करती है, ये हुआ प्राकृतिक प्रदूषण। और यहीं पर जो मानव निर्मित प्रदूषण है तो इसको आप भैया हर एक इसकी तो नस नस से आप वाकिफ हैं, इसको तो जानते ही हैं। हालांकि यहाँ जो प्राकृतिक प्रदूषण है तो यहाँ पर जो वनों में लगने वाली आग रहती है, वनों में जो आग लगती है तो यह भी प्राकृतिक प्रदूषण से ही रहता है, क्योंकि वहां पर जो कुछ वृक्ष रहते हैं, तो जैसे चंदन के वृक्ष रहे तो उसमें जब आग आपस में रगड़ते हैं तो वहां पर चिंगारियां बन जाती हैं, तो वहां पर जो आग होती है तो वनों में लगने वाली आग, तो यह भी कहीं ना कहीं प्राकृतिक का ही कारण है, प्रकृति का ही कारण है, इसके कारण ही ये प्रदूषण होता है, तो वहां से भी धुआं निकलता है। लेकिन जो मानव निर्मित प्रदूषण है तो यह तो भैया इसको बताने की जरूरत नहीं है, आप जानते हैं, ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जो प्रदूषण ना करता हो, ना फैलाता हो। अगर आप जानते हैं तो मुझे कमेंट में कर दीजिएगा, मैं पढ़ लूंगा, ठीक है। बाकी तो हर एक कोई प्रदूषण फैलाता है। तो मानव निर्मित प्रदूषण बहुत सारे हैं, आग जलाना हुआ, मैं इनको लिख नहीं सकता, अगर लिखना स्टार्ट कर दूं तो यहां तक बोर्ड भर जाएगा, लेकिन ये लिख नहीं सकता हूं। ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बनाना, यह भी एक प्रदूषण ही है। और कंस्ट्रक्शन के काम करना, कोयला जलाना, लकड़ी जलाना, पेट्रोलियम चलाना, कार चलाना, पेट्रोल से चलने वाले जितने भी ईंधन साधन है उनको चलाना, कितने ना जाने कितने प्रदूषण, ना जाने कितने प्रकार के प्रदूषण, इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट वो भी प्रदूषण, हर एक चीज तो प्रदूषण कर रहे हो, फिर भी कहते हो कि प्रकृति हमारे साथ खिलवाड़ कर रही है, प्रकृति हमको जीने नहीं दे रही। अरे जब तुम उसको ढंग से नहीं जीने दे रहे हो तो तुमको कैसे जीने देगी? जरा सोचो कि हम जब किसी को इज्जत नहीं देंगे तो कहां हमको इज्जत देगा? कुछ भी कर लो, इज्जत तो नहीं मिलने वाली है आपको। जब आप किसी चीज का ध्यान रखेंगे या किसी व्यक्ति का जब आप ध्यान रखेंगे तो वो भी आपको आपका ही ध्यान रखेगा। ऐसा नहीं है कि आप तो उसको इज्जत ही ना दें, जिधर से निकले उसको गरियाते हुए निकले, वो आपको दद्दू जराम
दद्दू सलाम, और दद्दू ठीक है, नमस्ते करे, नमस्ते नमस्ते, नहीं करेगा, क्या है, कैसे करेगा? जब आप उसको इज्जत नहीं दे रहे हैं तो आपको एक दिन इज्जत दे देगा, दो दिन इज्जत दे देगा, तीसरे दिन तो लात मार के फेंक देगा आपको बाहर, कहेगा जाओ भाड़ में जाओ, आप तुम अपने बड़े हो गए, अपने घर का बड़े हो गए। तो हर एक चीज को जब आप उसका उसकी क्योर करेंगे तभी वो आपकी क्योर करेगा। ड्यू रिस्पेक्ट एंड टेक रिस्पेक्ट, फॉलो करो, मजे लो। तो मानव निर्मित प्रदूषण बहुत सारे हैं, तो मानव निर्मित प्रदूषण इनको कम करना चाहिए यार, अब बहुत हो गया है। तो मानव निर्मित प्रदूषण है, इसमें सबसे अगर हाल ही में सबसे ज्यादा हम देख लें तो ये जो आया था कोविड 19, इस कोविड 19 ने सबकी औकात बता दी है, कोविड 19 ने सबकी औकात बता दी है, चाहे वो बड़ा आदमी हो, चाहे वो जितना अमीर हो, चाहे जितना गरीब हो, किसी भी लेवल का आदमी हो, सबकी औकात बता दी है इस कोविड 19 ने। और इसका रीजन क्या था? मानव निर्मित प्रदूषण ही था, मानव निर्मित प्रदूषण के कारण ही कोविड 19 आया था। इसने सबकी औकात बता दी है कि आप किस पानी में हैं। इन सब का जो मेन रीजन है तो ये हमारा सबसे ज्यादा है प्रदूषण। सबसे ज्यादा क्या है? प्रदूषण। ये प्रकृति ने हम पर तमाचा मारा है और हमें हमारी औकात बताई है प्रकृति ने, और कहा है अगर इस नहीं समझोगे इसको तो इससे भी ज्यादा हो सकता है बुरा, इसका कुछ कहा नहीं जा सकता है, कम भी हो सकता है ज्यादा भी हो सकता है। और इसको कम करने के लिए रीजन यही है कि हमें प्रदूषण कम से कम करना चाहिए। और ये कहीं तक प्रदूषण कम हुआ था इस कोविड 19 के समय में, गाड़ियां जो थी वो लॉकडाउन लगा था तो गाड़ियां चल ही नहीं सकती, और जितना भी प्रदूषण था वो कहीं ना कहीं कम हुआ था इस कोविड 19 के आने से। तो प्रकृति ने भेजा था तो कहीं न कहीं तक, बाकी नुकसान तो बहुत सारा हुआ, मनुष्य का भी नुकसान हुआ, जितनी भी अर्थव्यवस्था थी हर एक चीज का नुकसान हुआ। तो हालांकि कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो इसका सबसे ज्यादा इफेक्ट किस पर पड़ेगा? इन सभी चीजों का, चाहे वो प्रकृति हो चाहे मानव निर्मित हो, सबसे ज्यादा इफेक्ट किस पर पड़ेगा? इसी मानव जाति पर पड़ेगा, मानव जाति पर ही सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। और बाकी बेजुबानों पर भी इफेक्ट पड़ता है, ऐसा नहीं है कि किसी पर इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन जो उन बेजुबानों पर इफेक्ट पड़ता है तो उसका रीजन कौन है? मानव ही तो है, क्योंकि बेजुबान तो इतना ज्यादा पोल्यूशन फैलाते नहीं है, इतना ज्यादा क्या हो, लगभग ना के बराबर पोल्यूशन फैलाते हैं, क्या करें वो भी मजबूर है। सबसे ज्यादा प्रदूषण का कौन कारण है? मनुष्य, मनुष्य ही सबसे ज्यादा जिम्मेदार है इसके लिए। तो हमें इन सब चीजों को कम करना चाहिए और कम करने की जरूरत है, अगर कम नहीं करेंगे तो इसका हमें ड्रॉबैक मिलेगा। तो इसका यही रीजन है कि सर्दियों में हमें ज्यादा पॉल्यूशन मिलता है, क्योंकि वहां पर टेम्परेचर कम हो जाता है जिसके कारण हवा में बाहर आ जाता है और ये सब एटमॉस्फेयर में पहुंच नहीं पाता है, जिससे वो वहीं पर आसपास में छा जाता है। लेकिन जो गर्मी रहती है, गर्मी का सीजन रहता है, उसमें टेम्परेचर बहुत ज्यादा पहुंच जाता है जिससे हवाएं गर्म होती हैं, और हवाओं के गर्म होने के साथ साथ जितना प्रदूषण रहता है वो सराउंडिंग में पहुंच जाता है, उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, उसको कुछ पार्टिकल जो रहते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और कुछ एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं। हालांकि उसका भी ड्रॉबैक हमें मिलता है कहीं ना कहीं। आई होप इस वीडियो में प्रदूषण के बारे में दी गई जानकारी को आप समझ पाए। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।